आज हम हनी चिल्ली पोटैटो बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको इस तरह से काट लिया है हमने लंबे लंबे पीसेस में और इसको पानी में डाल के रख दिया है। ये हमने गैस पर भगोने को चढ़ा दिया है। इसमें कटे हुए आलू सब डाल दिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। हाँ, गैस को थोड़ा स्लो कर दिया है, करके नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने 4 आलू लिए थे तो 4 कटोरी लगभग हमने पानी डाल रहे हैं। इसमें बॉयल आने तक इसको रखेंगे, जब तक अच्छे से बॉयल ना आ जाए। अब देखिए धीरे धीरे फेना ऐसा आने लग गया है, बॉयल आने लगा है। अब अच्छे से बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद हम इसको 1 मिनट तक के लिए धीमी गैस पे इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको छानेंगे। छान के ये आलू हमारे तैयार हैं। अब इस आलू में हमने 1 चम्मच आटा डाला है और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से पूरा मिक्स कर लिया है। मिक्स करके फिर इसको साइड में रख देंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब दूसरे बाउल में हम 3 चम्मच आटा डालेंगे और 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए आटा सही रहता है। अब इसको हम गाढ़ा घोल बना देंगे और इसमें नमक भी डालेंगे। नमक 1 चम्मच नमक मिला दिया। मिलाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से गाढ़ा घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो आलू हमने तैयार करके पहले साइड में रखे थे वो सब आलू इसी में डाल देंगे। इसमें डालने के बाद फिर चम्मच से पूरा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ये हमारे सब आलू रेडी हैं। अब तेल कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर। तेल गर्म होने के बाद हम इसको एक एक पीस लेके उसमें डाल के तलते जाएंगे। इसी तरह से आप डालिए सब इसमें एक एक पीस करके, जिसमें चिपके ना। अब इसको पहले छन्ने से आप पलट दीजिए थोड़ा। जब अच्छे से आप देखिए कि होने लग गए हैं तब इसको आप निकाल लीजिए बाहर। देखिए हल्के गुलाबी से होने लगे हैं, ब्राउन हल्का लाइट कलर आ गया है। अब इसको आप छन्ने से बाहर निकाल लीजिए तेल से। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, लाइट ब्राउन। और ये सब तैयार, ये सारे जो हैं अब हमारे तैयार हो गए हैं लाइट ब्राउन। आलू को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक आलू ठंडे होंगे हमारे तो हम कढ़ाई को तेज सांच पर रख देंगे गर्म करने के लिए अच्छे से। आलू जब ठंडे हो जाएंगे तब उसके बाद हम दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। अब हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, अब इसको तेल में डालेंगे, तेज तेल में गरम करके और फ्राई दोबारा से करेंगे। इसको हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जिससे कि ये कुरकुरे हो जाएंगे। इसलिए कुरकुरे होने के लिए हम इसको डार्क ब्राउन दोबारा से तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अब ये हमारे डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे सब फ्राई हो चुके हैं दोबारा। इतना कुरकुरा हो गया है, इसमें आवाज़ भी हो रही है कुरकुरे की। और ये देखिए अब हम फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। उसके बाद हम 4-5 जवे लहसुन के बारीक काट के डाल दिए हैं और हरी मिर्च डाली है 1 से 2 काट के बारीक, और तिल 1 बड़ा चम्मच तिल का डाल रहा है। उसके बाद 1 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये हमारा अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी तिल की, भुनी हुई तिल की, तब हम उसमें शिमला मिर्च को हमने काट के रखा हुआ है बारीक, तब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। इसके बाद
अब ये शिमला मिर्च हम इसमें डाल के एक मिनट तक इसको चला लेंगे अच्छे से। जब ये हो जाएगी शिमला मिर्च अच्छी तरह से, तब तक हम इसको चलाएंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और एक चम्मच चीनी डाली है, डाल के इसको फिर हम चलाएंगे अच्छे से, अच्छी तरह से। जब सब मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, फिर हम इसमें सोया सॉस एक बड़ा चम्मच डाला है और ये हॉट एंड स्वीट सॉस डालेंगे एक बड़ा चम्मच, एक से दो चम्मच हमने डाला है अंदाजे से। इसको सब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जब वो पकने लग जाएगा अच्छे से, तो पक रहा है अभी, अब हम इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। ये हमारा सब ये तैयार हो गया। अब हमने इसमें पानी डाल दिया, हमने थोड़ा पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च को हमने घोल के रखा है एक कटोरी में, और थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके हम इसमें थोड़ा डालेंगे, डाल के उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इससे हमारा ये सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, बैटर थोड़ा गाढ़ा तय हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जो आलू में लिपटेगा अच्छे से। इसको हम चला के अच्छे से पका लेंगे। ये हमारा पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम 3 चम्मच हमने शहद डाले हैं। गैस बंद कर दी है हमने, गैस बंद करके हमने 3 चम्मच शहद डाले हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे चम्मच से अच्छी तरह से, शहद को पूरे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें आलू जो हमने फ्राई किए हुए रखे हैं वो सब आलू इसमें डाल देंगे, डाल के और उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसको सब अच्छी तरह से हम आलू को मिक्स कर लेंगे, पूरा इसके ऊपर कोटेड हो जाए अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, अब ये हमारा लगभग तैयार हो गया है। इसको अब हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में ये देखिए हमने निकाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत क्रंची है।